अस्सलाम वालेकुम, मैं मीरब सैलून से। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, फेस के लिए लाई हूँ, इसका ऑल जो प्रॉब्लम्स हैं उसका ये ट्रीटमेंट है। यानी आपको कोई पिगमेंटेशन है, स्किन डल हो रही है, टू टोन स्किन हो रही है, एक्नी तो नहीं लेकिन जो मलासमा वगैरह है या पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, उनको ये दूर करेगी, कलर को फेयर करेगी, जो हमारी खवातीन का सबसे बड़ा मसला है कि रंग गोरा हो जाए, रंग गोरा हो जाए, रंग गोरा हो जाए। तो इससे वाकई ही रंग गोरा होगा, और वो कैसे होगा उसके लिए जब आप रेमेडी सुनेंगी तो आप खुद ब खुद मान जाएंगी। मेरे पास है लेमन पाउडर, मैंने चिल्ड्रन प्योर का लिया है। आप लोग लेमन के छिलकों को ड्राई करके तो उनका आप बना सकते हैं। रोज़ पाउडर, आप गुलाब के फूलों को पत्तियों को ड्राई करें और उनको पीस कर पाउडर बना लें। पपीता इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, आप उसको फ्रेश को यूज़ कर लें, आप उसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लें, उनमें लेमन के छिलके डाल लें और गुलाब की पत्तियां डाल के ग्राइंड करके पेस्ट बना सकती हैं। मेरे पास ये चार चीज़ें अवेलेबल थी। इससे क्या होगा कि मैं एक जार में भर के रख लूँगी और फिर जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी थोड़ा सा पाउडर लेकर मैं यूज़ कर लूँगी। और हमें चाहिए होगा संदल पाउडर, लेमन हमारे स्पॉट्स को लाइट करता है, टू टोन स्किन को इक्वल करता है, जो डस्ट है, मट्टी है, मैल है उसको क्लियर करता है। रोज़ पाउडर हमारे कलर को नीट फेयर करता है, स्किन को टाइट करता है, एक पिंक सा जो है ना ग्लो देता है। संदल आपको पता है, संदल का भी हमारा जो एक ब्लीचिंग एजेंट है, ये ब्लीच करता है स्किन को फेयर करता है। ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेयर हैं। और उस पर आ जाता है हमारा पपीते का पाउडर विटामिन सी सोर्स है। विटामिन सी आपको पता है हमारी स्किन के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, ये हमारे कलर को फेयर करता है। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं हमारा इसमें स्किन को फेयर करने का, गोरा गोरा होने का कितना बड़ा फार्मूला है। अब ये हमें किस तरह से बनाना है, ये हमें सब चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में हम लेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक बाउल। मैं इन सब चीज़ों को अलग कर दूं ताकि आप इजी होकर समझ सकें। सबसे पहले लेंगे हम संदल पाउडर, इस पे मत जाइएगा, इसके अंदर संदल पाउडर है। मैं जार जो खाली होते हैं तो मैं फिर उसमें पाउडर बनाकर सब चीज़ों का मैं रख लेती हूँ, तो मुझे रेमेडीज़ बनाने में आसानी रहती है। ये मैंने लिया है हाफ चम्मच संदल पाउडर, लेमन पाउडर थोड़ा मेरा काम आसान करने के लिए मैंने चिल्ड्रन प्योर वालों से कर लिया था, आप लोग घर पर बना सकते हैं। लेमन पाउडर भी मैंने उतना ही लिया है जितना मैंने संदल का पाउडर लिया था। ये लेमन पाउडर हो गया। लेमन हमारे स्पॉट्स को लाइटर करने में, मैल को काटने में हमें हेल्प करता है। रोज़ पाउडर, गुलाब की पत्तियां आपको पता है शुरू से हमारी खूबसूरती के लिए मानी जाती हैं, खुशबू के लिए। ये हमने लिया उतना ही रोज़ पाउडर ले लिया। अब हम लेंगे पपीते का पाउडर। मैं सब चीज़ें इसलिए हटाती जा रही हूँ ताकि जो है ना आपको आसानी रहे समझने में। ये मैंने अभी तक खोला नहीं है। ओके, अब पपीते का भी पाउडर हम ले रहे हैं। अगर आप कुछ अरसे के लिए बनाकर रखना चाह रही हैं तो आप इन सबको पाउडर फॉर्म में ले लें, और अगर आप फ्रेश बनाना चाह रही हैं तो सबको आप लेके ग्राइंडर में, जो अपना ग्राइंड करने वाला है उसके अंदर आप सब चीज़ों को, चारों चीज़ों को डालें, गुलाब की पत्तियाँ, लेमन, पपीता, इन सबको डालकर और संदल भी, और ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, वो आपका पेस्ट बन जाएगा। उसका जो इसका जो पाउडर हमने ख़त्म कर पानी सॉरी इसका जो पानी हमने ख़त्म कर दिया वो भी आपको उससे मिलेगा, उसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ेगी, आपका बड़ा अच्छा मास्क बन जाएगा। अब इस पाउडर फॉर्म को बनाने के लिए हमें इस टाइम जो है गुलाब का अर्क डालना होगा। गुलाब के अर्क से हमें ये पेस्ट रेडी करना होगा। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्सअप। मिक्सअप करने के बाद मैं इसमें डालूँगी गुलाब का अर्क। गुलाब का अर्क हमने उतना ही लेना है जितना हमें पेस्ट की रिक्वायरमेंट हो। और जैसे मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि 2 मिनट के लिए आप इसको बनाकर रख दें तो इसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये हर्बल चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा
पानी को अपने अंदर लेने में थोड़ा टाइम लगाती हैं, फिर ये आपको ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगी। ये मैंने बनाकर रख दिया है, आप अपनी क्लेंजिंग कर लें। क्लेंजिंग आप रॉ मिल्क ले लें और कॉटन की हेल्प से रॉ मिल्क के साथ आप अपनी क्लेंजिंग कर लें। क्लेंजिंग कर लें, फेस वॉश से, फेस वॉश करना है आप फेस वॉश कर लें। करने के बाद फिर आपने ये मास्क को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। जिन हिस्सों पर आपको पिगमेंटेशन है, मतलब आपके माउथ का एरिया है, नोज़ है, जहाँ दाग धब्बे हैं, जिस जगह पे भी आपके पिगमेंटेशन ज़्यादा है, आपने उस जगह पर जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने मसाज करना है गीले हाथों के साथ। टोनर अगर आपके पास है तो आप टोनर का स्प्रे कर लें, उसके बाद आप उसको जो है मसाज करके आपने उतारना है। अब ये आपने इसको लेना है, अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। ये तो मैंने साथ के साथ कर लिया, इसलिए ये अगर थोड़ी देर आप छोड़ देंगे तो ये बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। इसमें लगाने से एक संदल जब आप अप्लाई करते हैं ना तो आपको एक इचिंग सी होती है, तो इसको लगाने से थोड़ी सी इचिंग होगी आपको, लेकिन वो इतनी इचिंग नहीं होगी कि आपको ज़्यादा मसला हो या प्रॉब्लम हो। जी, आपने इसको 15 से 20 मिनट इस मास्क को रखना है और उसके बाद इस तरह से मसाज करना है। ये मसाज आपने देना है और मसाज आप जितना अच्छा मसाज देंगी उतना अच्छे आपके रिजल्ट्स आएंगे। जिस तरह से यहाँ पिगमेंटेशन है, आप उस जगह को आपने अच्छी तरह से मसाज कर लेना है ताकि वो पिगमेंटेशन क्लियर हो जाए। जी, ये हमने कर लिया है मसाज, 5 मिनट आपने देना है मसाज और उसके बाद आपने कर देना है नीट। अभी मैंने टाइम नहीं दिया, मैंने सिर्फ 5 मिनट भी ज़्यादा होंगे, मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट ही दिए और आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट। मैं आपके सामने ही वॉश करती हूँ बिल्कुल, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कोई फेक नहीं है। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ का रिज़ल्ट, तो ये देखें आप, ये मेरी स्किन का रिज़ल्ट है। मेरे कमरे में लाइट्स इतनी अच्छी नहीं है तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो आप यूज़ किया करें, यूज़ करने के बाद मुझे बताया करें कि आपको रेमेडीज़ कैसी लग रही हैं, आपको उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ तो आप ज़रूर चेक किया करें। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।